अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हुआ ये था कि मुझे ना YouTube की तरफ से एक ईमेल आई थी, आई थिंक एक या दो दिन पहले। और मैं ज़्यादातर अपनी ईमेल्स वगैरह हर चीज़ फ़ोन पे हम लोग पता है चेक करते होते हैं। तो मैंने ईमेल चेक की थी और उसमें YouTube गाइड की तरफ से मुझे ईमेल आई हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे मेरी सारी जो है वो जो सक्सेस है और हार्डवर्क है उसके बारे में हुआ हुआ था जिक्र, और साथ में ये था कि जी आपको वेरीफिकेशन बैज हम दे रहे हैं आपके पूरे ईयर कंसिस्टेंट हार्डवर्क की वजह से। और उसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी कि उसमें ये था कि ये फॉर्म फिल करें ताकि आपकी वेरिफिकेशन जो है बैज की प्रोसेस हो सके। तो साथ में उसमें एक चीज़ ये लिखी हुई थी जो अब मुझे फिशी लग रही है, उस वक्त मुझे ये भी फिशी नहीं लगी। और उसमें लिखा हुआ था कि जस्ट मेक श्योर दैट यू लॉग्ड इन टू योर यूट्यूब अकाउंट व्हाइल यू फिल द फॉर्म। तो मैंने इस वजह से उस ईमेल को फिर फॉर्म को क्लिक नहीं किया। ईमेल्स में कोई भी लिंक्स आए उनको क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आजकल इतनी ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है, स्पैमिंग हो रही है कि ज़रूरत ही नहीं होती किसी लिंक को क्लिक करने की। तो अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने फ़ोन पे तो लिंक को क्लिक नहीं किया, और मेरे माइंड में यही था उस वक्त भी। मैं ना यूट्यूब के वो फ़िश बिरयानी की मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी अपनी नौश किचन रूटीन चैनल के लिए उस रेसिपी की, तो मैं जल्दी जल्दी बस उसको एडिट कर रही था। मैंने ईमेल देखी, मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे वेरीफिकेशन बैज मिलेगा। तो चलो, लेकिन मैं अभी नहीं, मैं इसको आराम से लैपटॉप पर खोल के आराम से देखूंगी, क्योंकि मोबाइल वर्जन में आपको पता है कई चीज़ें कई बार वेबसाइट्स पर नहीं भी होती। तो मैंने सोचा लैपटॉप पर देखूंगी। अच्छा, इस तरह में 2 दिन बची रहेगी, वरना मैं फ़ोन पर उसको यूज़ करके गायब हो जाती हूँ, आज आप इस चैनल पे मेरे मुझे ना देख रहे होते। तो अच्छा खैर, तो आज जब हम मूवी वगैरह देख रहे थे ना बैठे, तो क्या हुआ कि मुझे ना याद आया कि मैंने तो वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने जनाब उस ईमेल को ओपन किया और मुझे तब भी वो फिशी नहीं लगी, और मैंने उस फॉर्म को क्लिक कर दिया। फॉर्म को मैंने क्लिक किया है तो यूट्यूब का ही लोगो बना हुआ है, प्रॉपर यूट्यूब का, जिस तरह से फॉर्म्स आपको सर्वे फॉर्म्स वगैरह आते हैं उस तरह का आया हुआ था। और उसमें लिखा हुआ था कि अपना ईमेल जिससे आप यूट्यूब को यूज़ करते हैं लॉगिन करने के लिए वो ईमेल लिखें, और उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था कि जो फ़ोन आपने वेरीफाई करवाया है ईमेल अपने उस यूट्यूब अकाउंट के साथ वो लिखें। मैंने वो भी लिख दिया। और थर्डली, ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी आपसे पासवर्ड मांग रहा है ना कि इसमें पासवर्ड अपना लिखो, तो वो नहीं देना होता है आपने। तो उसमें साथ में लिखा हुआ था कि यूट्यूब का जिससे आप लॉग इन करते हैं वो वाला पासवर्ड भी दें। अच्छा, और मैंने बेवकूफ़ों की तरह, मैं इतनी बिजी थी उस दिन भी, मैं अब वॉइस ओवर वगैरह कर रही थी और वो करके मैं बाकी फाइनल टचेज आज दे रही थी, उस दिन नहीं मतलब आज दे रही थी। तो मुझे था जल्दी जल्दी वीडियो मैं रेडी करूँ ताकि सैटरडे को मॉर्निंग में अपलोड हो जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो सारा कुछ लिख के क्लिक कर दिया सेंड। अच्छा, और उन्होंने लिखा हुआ था नेक्स्ट, सेंड भी नहीं लिखा हुआ था, नेक्स्ट लिखा हुआ था कि शायद शायद मैंने नेक्स्ट मतलब स्टेप पे प्रोसीड करना है। और मैंने नेक्स्ट किया तो वो विंडो बंद और कुछ भी नहीं है। मुझे लगा शायद मेरे कोई इंटरनेट में एरर आ गया, मैं बेवकूफ़ पता नहीं। अब मैं आपको भी बताऊंगी कि आपने भी ईमेल को चेक कैसे करना होता है। मेरे सिर्फ माइंड से स्लिप हो गया था, वरना ये बहुत बेसिक बात है, आप पकड़ लेते हैं कि कौन सही है ईमेल और कौन सी सही नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया, वो विंडो क्लोज हो गई, और मैंने सोचा कि मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैंने दोबारा से ईमेल में गई हूँ, दोबारा से उस फॉर्म को क्लिक किया, दोबारा से वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट इन की है, और उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक किया तो तब वो फिर विंडो गायब हो गई है। मैंने जल्दी जल्दी गूगल और एक दो और वेबसाइट्स खोल के देखी, हर वेबसाइट फास्ट खुल रही थी, 5G है हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा ओ बेड़ा गर्क हो गया, ये क्या हुआ, ये तो मैं तो गई, मैं तो अभी कभी गई। अच्छा, तो जनाब मैंने शो डालने शुरू कर, मैं आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा शहजाद ये मेरा अकाउंट हैक होने लगा, हैक होने लगा। मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दिया, कहते हैं रोला डालने के बजाय अपने उसको सिक्योर करो। फिर मैंने सबसे पहले जो मेरा ईमेल था जिसके थ्रू मैं अपना दोनों अकाउंट्स, अगर नौश किचन रूटीन हैक हो जाता तो नौश ब्लॉग्स भी साथ ही हैक होना था, तो दो ही चैनल्स हैं तिहामी का भी। बाय द वे, आप पूछते हैं कि कोई चैनल है, तो नहीं, तिहामी कोई चैनल नहीं, बस ये मेरे दो चैनल्स हैं। तो वो फिर जनाब ये दोनों हैक हो जाने थे। अच्छा, फिर खैर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो अपने पासवर्ड चेंज किए ईमेल्स के, और फिर मैंने अपनी वेबसाइट के सारे पासवर्ड चेंज किए, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के भी, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैंने हर चीज़ के पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिए। और साथ में मैंने हर चीज़ जिस चीज़ पे पॉसिबल है, जीमेल पे तो पॉसिबल होती है, मतलब गूगल पे इन जनरल, गूगल पे पॉसिबल होती है टू वे वेरिफिकेशन, टू वे ऑथेंटिकेशन,
टू वे वेरिफिकेशन के नाम से आती है, तो वो होती है। और उसके ऊपर मैंने जो है गूगल ऑथेंटिकेट जो ऐप है उसके थ्रू भी मैंने उसको भी सेटअप कर लिया, ताकि मैं अपनी ऐप पे जो पासवर्ड आएगा फ़ोन पे सिर्फ वो मैं ही उसको लॉगिन कर सकती हूँ। तो इस तरह से करके मैंने जल्दी जल्दी वहीं बैठे बैठे सब किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई मेरे बड़ों की दुआएँ हैं या कोई मेरी नेकी है जो ऐसी काम आ गई है कि मेरी ये इतना हाई सोर्स ऑफ इनकम है कि मैंने इसके पीछे अपना अपवर्क छोड़ दिया है। और ये दोनों के दोनों चैनल्स मेरे एक ही ईमेल के ऊपर है और उसका पासवर्ड मैंने शेयर कर दिया था। मेरे से बड़ा बेवकूफ इस वक्त मुझे दुनिया में कोई नहीं लग रहा। तो खैर वो सब मैंने चेंज किया और सारे थैंक्स टू गूगल जिन्होंने सिक्योरिटी के इतने इतने अच्छे चेक्स रखे हुए हैं। तो मैंने जो है वो अपना टू वे वेरिफिकेशन जो है वो मैंने कर ली है। और उसके बाद मैं बार 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 आ रही हूँ डिफरेंट फ़ोन से। मैं शहजाद के फ़ोन 3 हैं उनके पास, 2 मेरे पास हैं, तरह तरह के फ़ोन से मैं वाईफाई के ऊपर लॉग इन कर करके देख रही हूँ। तो वो पासवर्ड मुझे भेजते हैं, मतलब जो कोड है वो मुझे भेज देते हैं, या फिर मुझे ईमेल आ जाती है कि आपका डिफरेंट तरह से जो है वो अकाउंट एक्सेस हो रहा है। तो मैं अपने आप को तसल्ली कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे फ़ोन के अलावा किसी भी फ़ोन से लॉगिन नहीं हो सकता, किसी कंप्यूटर से, किसी पीसी से लॉगिन नहीं हो सकता। तो खैर, और शहजाद का जो है वो ऑफिस में भी जो है वो एक आईटी में बंदा है जो कि एथिकल हैकर है, और ऑफिस के सारे एथिकल हैकिंग वगैरह का इशू आया था और वो सारा उसी बंदे ने सॉल्व किया था। तो शहजाद ने अभी उससे भी बात करनी है और वो भी फिर बता देगा कि क्या है क्या नहीं। आज फ्राइडे है ज़रा, तो हमने उसको तंग नहीं किया क्योंकि सब वापस आ गया मेरे पास। तो ये चीज़ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो ईमेल क्या थी और उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो मुझे सब्जेक्ट आया हुआ है ना, ये सब्जेक्ट है रिप्लाई और साथ में इतना लंबा नंबर लिखा हुआ है और कस्टमर फॉर्म। YouTube की तरफ से इस तरह के सब्जेक्ट्स तो कभी भी नहीं आते, तो ये फिशी सा था, मुझे ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए थी लेकिन मैंने बॉदर नहीं किया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या हुआ, YouTube गाइड, ये तो कोई है ही नहीं YouTube का आईडी, लेकिन चलें इसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो आगे आप ये देखें कि जो भी YouTube की तरफ से आएगा, YouTube एकेडमी लिखा हुआ है, यहाँ पे गाइड है, यहाँ पे एकेडमी एट, पता नहीं क्या है ये, कुछ शॉर्ट फॉर्म है या क्या है, एल्काजॉन है, आई डोंट नो, लेकिन ये कोई rentals.com है। तो मतलब ये @youtube.com होना चाहिए था, और वो तो हर कोई अकाउंट उस तरह का नहीं बना सकता, और YouTube आपसे पासवर्ड्स कभी भी नहीं मांगती, और YouTube इस तरह से फॉर्म्स वगैरह कभी नहीं फिल कराती। वाया उसने अपनी तरफ से जो है ना वो बीच में जैसे होते हैं चेक्स लगाए हुए हैं कि कोई मुझे एक्सेस ना कर सके, और डेफिनेटली उसने अपना कोई इस तरह का सिस्टम किया हुआ है। और bnc3.mailjet.com ये देखें कहाँ कहाँ से ये करता हुआ यहाँ पर आया, और इसने आकर हे क्रिएटर्स दिस ईयर हैज़ बीन अमेजिंग, यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेरीफिकेशन बैज, प्रिपेयर द चैनल। ये देखिए कितनी अजीब सी लैंग्वेज लिखी है, प्रिपेयर द चैनल, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की है। दिस फॉर्म विल हेल्प यू विद योर रिक्वेस्ट, और आगे खैर थैंक यू किया हुआ है सिंसेयरली, और बस ख़त्म। मतलब ये इतने ज़्यादा इसमें एरर्स हैं इस ईमेल में कि मैं किस तरह से बेवकूफ़ बन गई, वो फिर मेरी गलती है, वो इस भेजने वाले की गलती नहीं है क्योंकि उसका तो काम ही ये है, ये मेरी गलती है कि मैंने इसको देखा नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज मैं ये बोलूँगी कि आई होप आपको ये वीडियो शॉकिंग लगी होगी, और प्लीज़ अपने चैनल्स को बचा के रखें और अपने आईडीज़ को बचा के रखें, और बस ये इन्फॉर्मेशन जो है रैंडमली शेयर करें। अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की ईमेल्स आएँ और किसी का अकाउंट हैक हो, लेकिन जस्ट अपने अपने एरिया में, अपने अपने सर्कल में अगर आपको बेहतर लगे तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करते रहा करें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।